सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो निकलते। एंट्री एट प्रियदर्शन कॉलेज। वैसे तो हम कॉलेज में पहुंच गए हैं और यहाँ पे काउंटर सेक्शन में तो क्या भीड़ है भाई। चलो देखते कितना काम होता है। तो यहाँ से हमें हमारा सबसे पहले मार्कशीट लेनी है थर्ड सेमेस्टर की, उसके बाद में डिपार्टमेंट से कुछ फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट लेनी है, और उसके बाद में एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट का अप्लीकेशन करना है। मतलब इतने सारे काम करने हैं हमें, तो देखते हैं आज हमारे कितने काम पूरे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, फिर भी काफ़ी थोड़ी बहुत भीड़ है। एडनो गाइस, तो यहाँ पे एडमिशन में मेरे को मार्कशीट चाहिए स्पेशली, तो यहाँ से लेता हूँ मार्कशीट में। तो यहाँ पे आपको खुशी की बात बताऊँ तो यहाँ पे हमारे आधा काम हो चुका है। थर्ड सेम, फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम की जो मार्कशीट लेना था वो तो ले लिए, और फाइनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए कुछ अप्लीकेशन करना पड़ता है, हमें तो अप्लीकेशन लिखना नहीं आता। सो हमारे दीदी हमारा अप्लीकेशन फॉर्म भर के देने वाली है। हाय हाय करो। हाय। क्या, तो मेरे दोस्त का काम जभी से नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे और वहाँ पे दीदी हमारा अप्लीकेशन फॉर्म लिख के दे रही है। तो मेरे फ़ोन की चार्जिंग पूरी डाउन हो गई थी, पूरा शट डाउन हो गया था मेरा फ़ोन। तो अच्छा हुआ मैंने साथ में चार्जर लाया था, तो ये मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, यहाँ पे फैन वैन चालू कर दिया और यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया। तो यहाँ पे हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए कुछ अप्लीकेशन लिखना था, तो मेरा तो अप्लीकेशन उस दीदी ने लिख दिया, तो मेरा दोस्त था तो उसका मैंने लिख दिया। यहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, और उसके बाद में ये फॉर्म हमें हॉस्टल में सबमिट करना है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट हॉस्टल में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर मेरे फ़ोन में चार्जिंग बची तो आपको वो वाला वीडियो भी दिखेगा, और नहीं रही तो समझ जाना। तब तक के फ़ैन चालू है तो फ़ैन की मजे लेते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये थी मेरी कुछ मार्कशीट जिसका हमें सबसे ज़्यादा काम था एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो चलो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाया था, तो 15% चार्जिंग हो चुकी है मेरी, और चलो यहाँ से भी निकलते हैं, मेरे दोस्त को वैसे नीचे भेजा है। वैसे लाइट और फ़ैन भी चालू किया था, ऑफ़ कर लेते पूरा। चलो वैसे मुझे प्यास भी बहुत लगी है, तो पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे अप्लीकेशन है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि लंच टाइम हो गया उनका, तो उसके लिए अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा उनका। वैसे अप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है, अगर आपको अभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो ये अप्लीकेशन फॉर्म ध्यान में रख लो, कुछ इस तरह से आपको अप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगी। और मेन बात आपको बताओ ना, यहाँ पे तो सभी न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, जो क्योंकि हम फाइनल ईयर में ना, और अभी जो भी लड़के हैं फिर न्यू एडमिशन वाले हैं, तो कोई पहचान का दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ पे, सब न्यू स्टूडेंट, न्यू एडमिशन। तो जो काम करना था कर लिए, थोड़ा वो बोनाफाइड का जो काम था ना वो बच गया, तो कल आने के लिए बोले तो कल आएंगे, फिलहाल तो भी यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से कहाँ जाने वाला है, घर ही मतलब हॉस्टल जाएंगे कि ऑफिस? ऑफिस में तो कोई काम ही नहीं है अभी, हॉस्टल तो भाई कुछ है हॉस्टल का कोई प्रॉब्लम, मतलब अभी हॉस्टल ही जाना पड़ेगा। वैसे तो अभी हम घर निकल रहे थे, लेकिन सुबह से इतना ज़्यादा थका हुआ था मैं, तो मुझे भूख लगी, तो यहाँ पे हम वड़ा पाव खाने वाले हैं। तो यहाँ पे वड़ा पाव की दुकान पे आए, क्या रेट है इसका? रेट तो उन्होंने इरेज कर दिया है, वो देखो आपको दिख रहा है क्या, इरेज कर दिया है। भैया वड़ा पाव कैंसिल कर दो, पाव भाजी बना दो एक। हमने ऑर्डर किया था पाव भाजी लेकिन मिला वड़ा पाव, देखो पूरा गेम बन गया ना यहाँ पे। चलो इन्जॉय करते हम। वाओ, फिर से एक बार दूसरा प्लेट लेंगे, बहुत टेस्टी बनाया था भैया ने, मुझे बहुत पसंद आया इसलिए हमने दूसरा प्लेट लिया। ये है, कभी आओ यहाँ पे, बहुत सही बनाया, आपके हाथ की टेस्ट बहुत सही है भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत स्पाइसी था। हमने तो सोचा था एक ही प्लेट लेते हैं, लेकिन जब खा के देखा तो दो प्लेट लिए। कभी आना होगा तो आना इधर। जो काम करना था आधा काम हो गया है, आधा काम कल करेंगे, जो भी हॉस्टल का एडमिशन करना है हॉस्टल का एडमिशन, और बोनाफाइड तो कल ही मिलेगी, तो बोनाफाइड मिलेगी तभी हॉस्टल में एडमिशन होगा। वैसे तो मैं भी फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, मेरी स्किन भी एकदम ड्राई हो चुकी है, पूरा डस्ट एकदम खराब हो चुके हैं। तो अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो अभी नागपुर में आपको वैसे तो पता है टिफिन बॉक्स आया है खाने के लिए, तो देखते हैं खाने में क्या है। तो ये कुछ टिफिन बॉक्स आया है, देखेंगे इसमें क्या है। यहाँ तो यहाँ पे कुछ रोटी वगैरह है। आपका एडमिशन आलो पहले पैसे घ्या लागते
पेमेंट जो दे पेमेंट पार्टी दू ना अपन वाले। अच्छा कड़कुदी सॉरी कड़कुदी पोड़ा फैंसी है तो प्रिकॉशन अशी तर प्रिकॉशन अशी घ्यायची आहे की आपल्याला पोळ्या झाकून ठेवायच्या आहेत कारण की कडक पोळ्या खायला मिळते ना मुलांना खायला मिळते काम तर अर्शु तर हा आपला टिफिन बॉक्स आहे याच्यामध्ये काय काय आहे ते नंतर आपल्याला माहिती होईल 2 मिनिटांमध्ये त्यांची अनबॉक्सिंग होणार आहे। वैसे तो कल से मेस स्टार्ट होने वाली है तो आज तो टिफिन बॉक्स ही मतलब स्टूडेंट कम है ना तो टिफिन बॉक्स ही और ये जो भी पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे तो ये लॉकडाउन था ना पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे कुछ बेड वगैरह कुछ भी नहीं है तो 7-8 बजे शायद मुझे टाइम का भी कुछ ध्यान नहीं है तो चलो खाना खाते उसके बाद में मिलते। वैसे मेरे मम्मी ने कुछ तो भी दिया था टिफिन में मुझे देखना है। ये रहा हमारा टिफिन इसमें बहुत स्पाइसी चीज़ें बताए क्या तो वहाँ पर लेके जाऊँगा पूरा हमला कर देंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको यही पे पूरा निपटा दूँ और बाद में आते उधर उधर भी खाते इधर भी खाते क्या बोलते ये लो आधा ये पे खत्म कर दिया मैंने चलो आधा उनको भी देते क्योंकि सब्जी अच्छी है ना तो उनको भी देते थोड़ा इतनी सही टेस्ट है ना भाई इसकी सच में बता रहा हूँ भाई नहीं देता उनको भाई पूरा खा लेता मैं तो मम्मी खाती है ना टेस्टी है। चलो इसको पैक कर दे हमारा टिफिन नहीं का हमारा टिफिन होता मतलब यहाँ अपन अपन अपने महफिल में शामिल कराया क्या बनता तो ये हमारा टिफिन हमारे महफिल में शामिल होने वाला है यहाँ पे एक एक गास गया ना खुश रहा ते प्रसाद हुए महाप्रसाद बे सगळ्यांनी टेस्ट करू देते एकटाच नको खाऊ टेस्ट कशी वाटली अबे बोललं खाली मान सांगून काही भी खाईन आता मला चांगलं वाटणार सगळ्यांनी टेस्ट घ्या एक एक डू नॉट एंटर एग्जाम टाइम आता कोणाची एग्जाम सुरू आहे सगळ्याची रूम ओपन बी साला पूर्ण ऑफिस सारखा टायमिंग लिहिला आहे का रूम ओपन 2 PM to 4 PM आफ्टर वा सही आहे कसं वाटलं टेस्ट ओके थँक्यू कसं वाटलं शुभम टेस्ट थँक्यू माझ्या आईला थँक्यू मला पण एक गॅस खाऊ दे प्लीज नाही तुम्ही काय नाही तो तुमची आयडिया आहे फक्त सुशीलला द्या हो कुणाला खायचं आहे का ओघ्यांपासून माझी नजर माझ्या डब्यावर होती पण आता मला माहित पडलं की माझा डब्बा इकडे शुभमने लपवला होता शुभम दाखव प्रसाद सगळ्यांना मिळायला पाहिजे तर आणि कुणी पण डबल घ्यायचं नाही तर छान छान जेवणामध्ये काय म्हणते याचं नाव काय माझं चना काहीतरी तर चला आपण हॉस्टेलचं माझं पहिला जेवण आणि आई तुझे आजचे पूर्ण पोळा खाल्ले बरं हा पूर्ण चाटून खाल्ले तो वैसे भी रात काफी हो चुकी है और मेरे हॉस्टेल के सभी रूम पार्टनर सो गए हैं वैसे तो मैं अभी तक की वीडियो एडिटिंग ही कर रहा था तो वीडियो फाइनल एडिट हो चुका है तो अभी वीडियो अपलोडिंग पे डाल दूंगा और कल सुबह हमें कॉलेज निकलना है क्योंकि वो थोड़ा काम बाकी है ना उसको भी पूरा करना है। वैसे रात तो काफ़ी हो चुकी है 11:30 बज रहे हैं हॉस्टल के सारे लड़के सोए हैं तो अभी मुझे भी सोना पड़ेगा तो चलो दिन भर का पूरा थकावट भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सो जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को ये पेंट करते हैं आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा सो हंसते रहो हंसाते रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी तब तक के लिए लव यू बाय बाय।